बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, आप इकराम मिसवेद साजिद के साथ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्फा चौक मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एक्सरसाइज 5.2 के आज हम नेक्स्ट तीन पार्ट करते हैं। पार्ट डी ई एफ, फाइंड द डिटरमिनेंट्स। पार्ट डी की तरफ चलते हैं। 1, 6, 3, 4, 7, 5, 3, 2, 9। हमारे पास 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है, 3 बाई 3। पार्ट ई की तरफ चलते हैं। 1, 1, 4, 8, 11, -2, 0, 4, 7। ये भी 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है, मतलब तीन रोज़ हैं और तीन कॉलम्स हैं। अब हम पार्ट एफ की तरफ चलते हैं। x5, 0, 3, y2, 9, -1, 8। ये भी हमारे पास 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है। इट्स मीन तीन रोज़ हैं और तीन कॉलम्स हैं। डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं। पहले पार्ट एफ को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं। बराबर का साइन x5, 0, 3, y2, 9, -1, 8, 9, -1, 8। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो, फर्स्ट रो को एक्सपेंड करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को एक्सपेंड करेंगे। बराबर का साइन एक्स आ जाएगा, ये वाला एक्स यहाँ पे आ जाएगा। पहली रो और पहले कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप कर देंगे, बकाया जो वैल्यूज़ बचती हैं वो लिखेंगे। y2, y2, -1, 8, -1, 8। प्लस का 5 है, यहाँ पे दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, जमा नफी नफी, तो माइनस का 5 हो जाएगा। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप कर देंगे, बकाया जो रिमेनिंग वैल्यूज़ बचती हैं वो लिखेंगे। 3, 2, 9, 8। प्लस का 0 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप कर देंगे, बकाया जो वैल्यूज़ बचती है वो लिखेंगे। 3y, 3y, 9, -1, 9, -1। अब हम इस क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। बराबर का साइन एक्स, छोटी ब्रैकेट स्टार्ट, 8 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8y आता है। माइनस के 1 को प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, नफी नफी जमा, तो प्लस का क्या आ जाएगा हमारे पास 2। माइनस का 5, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आता है। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, नफी जमा नफी, तो माइनस का 18 आ जाएगा। प्लस का 0, माइनस के 1 को प्लस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। 9 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, जमा नफी नफी, तो माइनस का क्या आ जाएगा, 9y। अब हम इस क्वेश्चन को मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं। बराबर का साइन x, 8y प्लस का 2, माइनस के 5, 24 में से माइनस के 18 को लेस करेंगे तो प्लस का 6 आता है। प्लस का 0, माइनस का 3, माइनस का 9y। मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं। x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x को प्लस के 8y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8xy आता है। x को
प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2x आता है। माइनस के 5 को प्लस के 6 से मल्टीप्लाई करेंगे जमा नफी नफी तो माइनस का 30 आएगा। प्लस के 0 को माइनस की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जमा नफी नफी तो माइनस का 0 आ जाएगा। प्लस के 0 को माइनस के 9y से मल्टीप्लाई करेंगे जमा नफी नफी तो माइनस का 0 आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 8xy प्लस का 2x माइनस का 30, ये माइनस का 0 माइनस का 0 ये नहीं लिखना। ये हमारे पास आंसर है जो पार्ट एफ का, ये हमारे पास आंसर है यानी जवाब है प्लस का 8xy प्लस का 2x माइनस का 30। अब हम क्वेश्चन ई को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ई यहाँ पे लिखते हैं बराबर का साइन 1 1 4 8 11 माइनस का 2 0 4 7। एक्सपेंड करते हैं एक्सपेंडिंग बाय दी फर्स्ट रो, फर्स्ट रो को एक्सपेंड करेंगे इस क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को एक्सपेंड करते हैं बराबर का साइन 1, ये वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप कर देंगे, बकाया जो वैल्यूज़ बचती है वो लिखेंगे 11 माइनस का 2 4 7 7। ये प्लस का 1 है, यहाँ पे दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है जमा नफी नफी तो माइनस का 1 हो जाएगा। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप कर देंगे, बकाया जो वैल्यूज़ बचेंगी वो लिखेंगे, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम की वैल्यूज़ को छोड़ देंगे, बकाया जो वैल्यूज़ बचती है वो लिखेंगे 8 माइनस का 2 0 7 प्लस का 4। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप कर देंगे, बकाया जो वैल्यूज़ बचती हैं वो लिखेंगे 8 11 0 4। अब हम इस क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा। ये बराबर का साइन 1 छोटी ब्रैकेट स्टार्ट, 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 आता है। 4 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है नफ़ी नफ़ी जमा तो प्लस का 8 आ जाएगा, माइनस का 1। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 56। ज़ीरो को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है नफ़ी नफ़ी जमा तो प्लस का 0 आ जाएगा, प्लस का 4। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आता है। 0 को प्लस के 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है नफ़ी जमा नफ़ी तो माइनस का 0 आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, बराबर का साइन 1, 7 7 प्लस 8 इन दोनों को जमा करते हैं तो प्लस का 85 आता है, ये माइनस का 1। 56 प्लस 0 तो 56 आता है, प्लस 20 प्लस 4, 24 में से 0 को लेस करेंगे तो 24 आता है। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 1 को 85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 आता है, माइनस के 1 को प्लस के 56 से मल्टीप्लाई करेंगे जमा नफ़ी नफ़ी तो माइनस का 56 आ जाएगा। 4 को प्लस के 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आता है 128। 85 और प्लस के 128 को जमा करेंगे और लेस करेंगे माइनस का 56 तो हमारे पास प्लस का आता है 157। ये जो हमारे पास पार्ट ई है उसका आंसर है 197, और पार्ट डी आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है
काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को हर नए वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।